यहाँ तो एक घंटे तक उबाल लिए। यहाँ पे हमारे चावल उबल चुके हैं और हमने इनको अलग कर लिया है। मसाला यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना, जो हमने आपको अलग से दिखाया था हरे मसाले में। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे चावल, बॉयल चावल। बॉयल चावल शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हल्की आंच पर इसको दम के लिए रख देंगे, बिल्कुल स्लो आंच पर। ढकना ढककर स्लो आंच पर इसको दम के लिए रख देंगे। इसके बाद बिरयानी एसेंस हम चंद कतरे इसमें शामिल कर देंगे और फिर ढककर हल्की आंच पर और दम लगाएंगे। अब हमारी छोलों की बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी बिरयानी छोलों की कैसी लगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा मैं आगे कौन सी रेसिपी ट्राई करूँ। आप इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सैलेड भी बना सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।